वालेकुम हकीम सरवर भट्ट लजपाल दवाखाने के प्लेटफार्म से आपसे मुखातब है जी। आज का जो टॉपिक है, आज का जो सबक है वो है अज़ाए रईसा के छः खादम। जैसे हमने इससे पहले जो सबक पढ़े हैं उनमें हमने छः तहरीकें बताई हैं, छः मिजाज बताए हैं और छः ही कैफियत हमने पढ़ी हैं। आज चूँकि तीन अज़ाए रईसा हैं, दिमाग है, दिल है और जिगर है, तो इन तीनों के दो दो खादम हैं। दिमाग के दो खादम कौन से हैं? असाबो दिमाग के आसाब हुक्मरसा, आसाब हुक्मरसा और आसाब खबर रसा। खबर रसा आसाब बाहर से खबर लेते हैं और हुक्मरसा आसाब जो हैं वो हुक्म देते हैं तो हरकत होती है। मसलन आपके जिस्म को किसी चीज़ ने टच किया है तो सेकंड के सौवें हिस्से में जाके उससे भी कम जो खबर रसा आसाब हैं वो आपको खबर देते हैं कि ये चीज़ ख़तरनाक है या ये अमन वाली है, इससे आपको ख़तरा है। किसी चीज़ ने आपको टच किया आपके स्किन को, जिस्म को, तो खबर रसा आसाब ही आपको बताते हैं कि वो चीज़ क्या है, आपने उसको देखा नहीं है। हुक्म रसा आसाब जिस्म को हुक्म देते हैं, अगर वो अमन वाली है तो आप सुकून से खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं। अगर वो ख़तरनाक है, वो ख़बर देते हैं कि ये ख़तरनाक है, ख़तरे वाली है, ये नुकसान पहुंचा सकती है, तो आप फौरन उससे हट जाते हैं। तो ये दो खादम हैं आपके, आसाब खबर रसा और आसाब हुक्म रसा। हुक्म रसा आसाब के तहत ही हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, गिलास को पकड़ते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, हरकत करते हैं, ये हुक्म रसा आसाब के मातहत करते हैं। इसी तरह दिल जो है उसके भी दो खादम हैं, एक है इरादी अज़ला, अज़ला कहते हैं गोश्त को, अज़लात इरादी अज़लात, और दूसरा गैर इरादी अज़लात। ये दो खादम हैं। इरादी अज़लात का जो काम है बॉडी में, जिस्म में, वो आपके इरादे से काम करते हैं। मसलन चलना है तो इरादी अज़लात के ज़रिए आप चलते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यानी ज़रूरियात ज़िंदगी के जितनी भी हरकत व सकनात हैं वो इरादी अज़लात के तहत आप करते हैं। गैर इरादी अज़लात के तहत जो अल्लाह ताला ने सिस्टम जिस्म के अंदर लगाया हुआ है, जैसे दिल है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो एक सिस्टम जो अल्लाह ताला ने, कुदरत ने खल्क किया है, उसके तहत वो चल रहा है, वो गैर इरादी अज़लात में आता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद चल रहा है। इसी तरह फेफड़े हैं, वो हरकत करते हैं, मैदा जब हम खा लेते हैं कोई चीज़ तो उसको हज़म करने के लिए वो हरकत करता है, हमारी अंतड़ियाँ हैं, बेशुमार जो अज़ा गैर इरादी हमारे जिस्म के अंदर होते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, तो वो अपनी अपनी हरकत अपने अपने टाइम पे करते हैं। अब इरादी अज़लात जब गैर इरादी हो जाएं, आपने देखा होगा ज़िंदगी में कई लोगों के हाथ हिलते हैं, उनके कंट्रोल में नहीं है, चाय गिर जाती है, वो किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो पकड़ नहीं सकते हैं, इसी तरह सर किसी के ऐसे ऐसे हिलते हैं, सर उनके कंट्रोल में नहीं होता है। तो जब इरादी अज़लात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएं, किसी वजह से भी, बीमारी की वजह से, झटके की वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, तो वो जब गैर इरादी हो जाएं तो वो खुद ब खुद हरकत करना शुरू कर देते हैं। ये हैं
इरादी अज़लात, गैर इरादी अज़लात दिल के मातहत। अब तीसरे नंबर पे आता है जिगर। जिगर के मातहत दो जो खादम हैं उनमें एक है गदद जाज़बा और दूसरे नंबर है गदद नाकला। अब जो गदद जाज़बा हैं उनका काम है रुतूबात को, जहरों को, अगर वो शिद्दत इख्तियार कर दें, अगर गदद जाज़बा शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं तो वो जहरों को अपने जिस्म के अंदर रोकते हैं। जब वो रोकते हैं, खारिज जहरें नहीं होती हैं, तो फिर बीमारी पैदा होती है। गदद नाकला जो सफरा पैदा होता है, जिगर का काम है सफरा, सौदा, बलगम को पैदा करना, और इन तीनों को जब मरकब होता है इनका तो ये खून पैदा हो जाता है। तो सफरा को रोकता है गदद जाज़बा, जिस्म में जज़्ब करता है। आप देखते हैं कि पीला यरकान हो गया, सारी आंखें भी पीली हो गई। गदद जाज़बा जब शिद्दत इख्तियार करते हैं तो आपका रंग पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, पीला यरकान हो जाता है, पिटाइटिस भी हो जाता है और पेशाब जल के आता है, पेट में मरोड़ बन सकता है, मरोड़ से पखाना आ सकता है, उल्टी आ सकती है, इस किस्म के मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। और गदद नागला जो हैं वो सफरा को पैदा भी करते हैं, जिस्म से खारिज भी करते हैं, इनका ये काम है। और इन तीनों की, ये जो छह खादम हैं, ये जब शिद्दत इख्तियार करते हैं तो इनकी अपनी अपनी बीमारियां सामने आती हैं। तो ये थे छह तीन अज़ाए रिसा के खादम, इनके काम। और आगे चल के हम बीमारियों के ऊपर बात करेंगे, और जो हमने पढ़ा है इसके मुताबिक जो जो मिजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है उसमें क्या क्या बीमारियां पैदा हो सकती हैं और उनका इलाज क्या है, इसकी तफसील करेंगे। ये फर्दन फर्दन मैंने आपको बता दिया है, ये आप ज़रूर ज़हन नशीन करें। जिस तरह पिछले इस्बात में आपने तहरीक, मिजाज और कैफियत को समझा है, तो ये खादम आपके ज़हन नशीन होने चाहिए। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इनकी, अगर असाबी तहरीक शिद्दत इख्तियार कर गई है तो इसका इलाज किस तहरीक में किया जाएगा, तो इलाज मुआलजे के बारे में बताएंगे इंशाल्लाह। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। जो बच्चे सीखना चाहते हैं तिब को, कानून मुफरद अज़ा को सीखना चाहते हैं, वो सब्सक्राइब करें। तो आज का सबक इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।